आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। किसान यानी हमारे अन्नदाता। किसान जो है कई सारे फसलें हमारे लिए उगाते हैं और उसके बाद ही हमें खाने के लिए सारे जो फसलें हैं, जो अनाज है, वो मिल पाता है। और ऐसे में ये बात अभी सबको पता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को लेकर हमारे किसान जो है 9 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है उनको, वो आंदोलनरत है, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि तीनों जो कृषि कानून सरकार ने बनाया है वो उसे वापस ले लें। लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जो किसान है वो हर फसल को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस फसल के हिसाब से उन्हें पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि फसल नहीं हो पाई, फसल फेल हो गई, इस वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। कई सारे किसान इस वजह से काफी निराश भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि आजादी के बाद से ही किसानों के साथ ये परेशानी देखने के लिए मिल रही है। ये किसानों के साथ एक आम समस्या है कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद फसल जो है उनको उसके हिसाब से दाम नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर बाजार की बात करें तो बाजार का एक जो पुराना रूल है वो ये है कि जब भी कोई चीज का उत्पादन ज्यादा होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और जब भी किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसका दाम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके देखते हुए कोई भी किसान के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि किसान को किसी भी फसल के पीछे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, और इसके बावजूद उन्हें कोई मुनाफा नहीं हो पाता है। और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2022 से लेकर 2023 तक के लिए एक नए MSP रेट की तैयार की है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बहुत सारे जो फसलें हैं, खासकर जो रबी फसलें हैं, गेहूं हो गया, बहुत सारा जो दाल वाले फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, उन सभी पे काफी ज्यादा दाम बढ़ा दिए हैं। गेहूं, दाल, चना और इसके साथ ही सरसों, इन सभी के ऊपर उन्होंने जो MSP रेट है उसको बढ़ा दिया है, ताकि इससे किसानों को मदद मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि जो किसान जो है वो आंदोलन करते हुए उनका ये भी कहना है कि जो MSP रेट है उसको सरकार जो है फिक्स कर दे, ताकि उन्हें किसी को कम दाम में बेचना ना पड़े, जिसको लेकर अब सरकार जो है कोई बात करती हुई नहीं नजर आ रही है, जिसकी वजह से अभी भी आंदोलन जारी है। लेकिन इसके बावजूद किसान सरकारों के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 2022 से 23 के लिए जो नया उन्होंने MSP रेट जारी किया, उसके तहत उन्होंने गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो MSP उसे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चने की बात करें तो वहाँ पर 130 रुपये प्रति क्विंटल उन्होंने बढ़ा दिया है, और इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो तिलहन वाले जो फसलें हैं उस पर दाम बढ़ाया गया है, और ऐसे में सरसों पर 400 रुपये जो है बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मसूर दाल जो है उसमें भी 400 रुपये प्रति क्विंटल जो है बढ़ा दिया गया है, और इसी के साथ जौ में भी 35 रुपये का इजाफा किया गया है, और सूरजमुखी में भी 114 रुपये का इजाफा किया गया है। और ऐसे में इस इजाफे से जो किसान है उन्हें काफ़ी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। और ऐसे में सरकार का मानना है कि जो सरसों का तेल है इसमें किसान को 100% फायदा मिलने वाला है। वहीं पर जो चने की बात की जा रही है तो चने में 74% फायदा जो है वो किसानों को मिलने वाला है। वहीं मसूर दाल में 79% और सूरजमुखी में 50% फायदा जो है वो किसानों को मिलने वाला है। ऐसे में सरकार जो है, जैसा उन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि वो MSP की जो रेट है वो जो है बढ़ाती हुई नजर आएगी, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे में वो ये काम करती हुई भी नजर आ रही है, और अगले साल को कर उन्होंने नए MSP रेट जारी कर दिए, जिसमें किसानों को, जैसे कि हमने आपको बताया है, कि कितना कितना फायदा मिलने की कौन कौन सी फसलों से उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जहां पर एक तरफ किसान आंदोलनरत है और जो सरकार और किसान है दोनों के बीच में पूरे तरीके से बात नहीं हो पा रही है, मसला नहीं सुलझाया जा सक रहा है, तो वहीं पर अब सरकार जो है कैबिनेट की बैठक के दौरान यह ऐसा फैसला ले रही है जिससे किसान काफी ज्यादा फायदा जो है निकाल पाएंगे। अब ऐसे में अब किसानों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है और किसान इस पर क्या कहते हुए नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।